बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है, अल्लाह ताला की मोहब्बत का हसूल कैसे मुमकिन है। इसका आंसर पेज नंबर 11 पे यहाँ से शुरू होगा। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के हसूल का ज़रिया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात को करार दिया है। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा है, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। स्टूडेंट, यहाँ से आपका आंसर शुरू होगा और यहाँ पे मुकम्मल होगा। इसमें आपने ये अरबी नहीं लिखनी, सिर्फ आपने ये तर्जमा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम का तर्ज अमल बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 12 पे यहाँ से स्टार्ट होगा। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम तमाम मामलात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत करने को अपनी खुशबख्ती समझते थे। खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, सोने जागने, गर्ज हर मामले में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते थे। यहाँ पर ये मुकम्मल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपने ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं अपनी नीट कॉपी पे लिखने भी हैं और इनको याद भी करना है। शुक्रिया।